लॉर्ड एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शालोम ऑल द वे फ्रॉम इज़राइल। मैं चाहती हूँ कि आप इस व्लॉग में बने रहें और आपने पिछले बनाए हुए व्लॉग से आशीष पाई होगी। और आज के दिन की जो शुरुआत हुई है, जिस जगह पर आज हम जा रहे हैं, वो जगह है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने फर्स्ट मिरेकल किया, पहला चमत्कार किया। ये देखिए, ये वो गलियां हैं जिनमें से होकर हम जा रहे हैं। आज हम आए हैं काना गलील की उन गलियों में जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया, फर्स्ट मिरेकल ऑफ हिज मिनिस्ट्री। वो एक मैरिज से शुरू हुआ और जहां पर एक वेडिंग हो रही थी, एक रिसेप्शन हो रही थी, और वो यहूदियों की शादी थी जिसमें प्रभु यीशु मसीह और उनकी माता को इनवाइट किया गया जी। और पवित्र बाइबल ये बताता है कि वहाँ पर लोग वाइन का इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वाइन में और शराब में फ़र्क होता है, वाइन में और दारू में फ़र्क होता है। अल्कोहलिक वाइन और नॉन अल्कोहलिक वाइन, ये दो चीज़ें हैं। वो एक जूस था, जैसे कि आजकल हम देखते हैं ना, काफ़ी सारे जूस आ रहे हैं, बेरीज के जूस आते हैं, एप्रिकॉट जूस, यस, और ब्लूबेरी जूस, उसी तरह से वो अंगूरों का रस था। अंगूरों के रस का इस्तेमाल किया जाता था फंक्शंस में, वेडिंग्स में, और जब उस फंक्शन में वाइन ख़त्म हो गई तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना चमत्कार दिखाया कि वहाँ पर उसने पानी को मैं में बदल दिया, पानी को वाइन में चेंज कर दिया। और आज हम उन्हीं गलियों में से होकर गुजर रहे हैं। मुझे पास्टर जी वो गीत याद आ रहा है, लोग पीते हैं पी कर गिरे हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ दर से मसीह के, ये अंगूरों का सीरा नहीं है। तो यही जवाब है। अब हम आपको वो चर्च दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने फर्स्ट मिरेकल किया था काना गलील की शादी में, और उसी जगह पर ये चर्च बना हुआ है जहाँ पर वो शादी हो रही थी। और इन्हीं गलियों से होकर हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर, उस वेडिंग में गए। हालेलुया। ये देखिए जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने मिनिस्ट्री का फर्स्ट मिरेकल किया, पहला चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने इस जगह पर किया, जो आपने इस जगह पर, ये पास्टर जी यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं, फर्स्ट मिरेकल के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप चमत्कारों के खुदा हैं मेरे परमेश्वर जी, हम आपको सजदा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे अपने मिनिस्ट्री की शुरुआत की, मैं कहना चाहती हूँ कि आप जितने लोग देख रहे हैं, आप भी उसी विश्वास के साथ इस वीडियो में बने रहे, ताकि आपकी मिनिस्ट्री की भी शुरुआत ऐसे ही बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों से हो। हालेलुया। ये देखिए इस जगह पर कैसा माहौल होगा जब प्रभु यीशु मसीह शादी में आए होंगे। वाओ, देखिए खुदावंद यीशु हमारा इज्जतें रखने वाला यीशु है, इज्जतें रखने वाला परमेश्वर। और इस शादी में खुदावंद यीशु मसीह ने उस परिवार की, उस खानदान की इज्जत को बढ़ाया, इज्जत को बचाया, और उसने पानी को मैं में बदल दिया, वाइन में बदल दिया। ये वो रास्ता है, ये वो जगह है जो अंदर जहाँ पर मटके रखे हुए थे वहाँ को जाते हैं। और यहाँ के स्कॉलर्स ये बताते हैं कि यहाँ की साइंस ने ये सर्च आउट किया है कि 6 मटके तो नहीं है, लेकिन उनमें से एक मटका उस टाइम का मिला है जो पड़ा हुआ है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जल भरो, पानी भरो, और उसमें पानी भरा गया था, और उसमें से एक मटका यहाँ पर मौजूद है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये वो सिनेगॉग है जहाँ पर वो शादी हो रही थी। ये देखिए, यही वो जगह है। चलो हम आपको मटका दिखाते हैं। अब हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर वो मटका रखा हुआ है। ये देखिए, ये वो ओरिजिनल मटका है, ये वो ओरिजिनल घड़ा है जिसे हम कह सकते हैं।
इस तरह के 6 घड़े थे वहां पर। सचमुच ये दृश्य देखकर, ये जगहें देखकर हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा कि सच में हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कितना महान है। वो आज भी इन कामों को करने की सामर्थ रखता है, इनसे भी बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह आज भी कर रहे हैं। और मैं बिलीव करती हूँ कि आपने उस मटके को देखकर आशीष पाई होगी, क्योंकि ये वही मटका था, ये वही मटका है जिसके अंदर के पानी को प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस में बदला। और एक और खूबसूरत दृश्य आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर एक वेडिंग हो रही है। लोग अपनी वेडिंग करवाने के लिए काना गलील में आते हैं, क्योंकि इस जगह को बहुत ब्लेस्ड जगह माना जाता है, क्योंकि इस जगह पर होने वाली वेडिंग के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने बरकत को भर दिया। ये देखिए मेरे पीछे ये वेडिंग हो रही है। ये काना गलील की वही जगह है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना फर्स्ट मिरेकल किया, और यहाँ पर आज भी लोग वेडिंग के लिए आते हैं। प्रेज गॉड, पास्टर जी वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू जीसस। तो अभी हम आए हैं द माउंट ऑफ बीएटिट्यूड, जहां प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहाड़ी उपदेश दिया था। जी, पहाड़ी उपदेश मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं। वहां पर यहां पर वर्सेस भी लगाए हुए हैं, और मैं यहां पर आके बहुत ज़्यादा आशीषित फील कर रहा हूं। आशीषित फील इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए इतनी महान ये जगह है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश दिए, और यहाँ पर ये वर्सेस लिखे भी हुए हैं। ऊपर पंजाबी की बाइबल में लिखा है, तन हन तन ओ जड़े दिल दे गरीब हन, क्यों जो स्वर्ग दा राज उन्हां दा है। और जितने भी पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिए, ब्लेस्ड आर दे हु मॉर्न फॉर दे विल बी कंफर्टेड, तो सारे पहाड़ी उपदेश एक एक करके इन्होंने यहाँ पर देखिए ये रास्ता है। और ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, हम उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिए। और आप मूवीज में भी जो दर्शाया जाता है उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह पत्थर के ऊपर बैठे हैं, और लोग उनके आसपास बैठकर उनके पहाड़ी उपदेशों को, उनके वचन को सुन रहे हैं कि धन्य हैं वे जो दिल के गरीब हैं, वो स्वर्ग के राज्य को देखेंगे। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो हलीम हैं क्योंकि वो पृथ्वी के वारिस होंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। ये वो जगह है बिल्कुल गलील की झील के पास, द माउंट ऑफ बीएटिट्यूड, ये बना हुआ है यहाँ पे, और ये चर्च बना हुआ है, और ये चर्च बना हुआ है उसकी याद में। बहुत अच्छे से ये जगहें संभाल कर रखी हुई हैं। और आज हम उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर कहा कि धन्य हैं वे जो दिल के गरीब हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। सो प्रियो, कितने सालों से हम इन वचनों को पढ़ते आ रहे हैं,
कितने सालों से हम इस वचन को सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आशीषित महसूस कर रहे हैं। आज अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि हम उस स्थान पर घूम रहे हैं जहाँ पर मेरे प्यारे यीशु ने कलीसिया को, चर्च को उस वचन के साथ ब्लेस किया जो मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय में लिखा हुआ है। आप उस अध्याय को ज़रूर पढ़िएगा। हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए लाइव हो रहे हैं कि हम रूबरू उन जगहों को देख रहे हैं। गलील की झील के पास हैं हम आपको गलील की झील भी दिखाएंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह पानी पे चले थे, तूफान को थामा था और उसके आसपास के एरिया में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की है और पूरे इसराइल में भी सेवकाई किया, लेकिन यहाँ से उनकी सेवकाई की शुरुआत हुई। देखिए कुछ लोग यहाँ पर द माउंट ऑफ बीएटीट्यूड के ऊपर वर्शिप कर रहे हैं और कुछ लोग ऊपर चर्च में वर्शिप कर रहे हैं और हम गलील की झील के बिल्कुल पास खड़े हैं और हम आज शाम को या कल आपको गलील की झील भी दिखाएंगे। हम वहाँ पर बोटिंग भी करेंगे जहाँ पर पतरस की बोट में प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए थे। हालेलुया हालेलुया। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है मेरे प्रियो। ये देखिए हम गलील की झील के बिल्कुल पास खड़े हुए हैं। ये देखिए सामने दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाती है वहां तक समुद्र, ये गलील की झील दूर दूर तक दिखाई दे रही है। सचमुच हमारा परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह बहुत ही महान है और आज हम उस जगह पर हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी ने अपना पहाड़ी उपदेश दिया। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि पास्टर जी भी यहाँ पर बैठ कर परमेश्वर के वचन से पढ़ रहे हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी ने अपना पहाड़ी उपदेश दिया। हम उनके जैसे तो नहीं बन सकते पर सचमुच हम कोशिश कर सकते हैं अपने खुदावंद के नक्शे कदमों पर चलने की। तो मैं चाहती हूँ कि पास्टर जी वो वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने इस जगह पर पढ़ा, वो उपदेश जो इस जगह पर दिया, तो वो हमारे बीच में पढ़ें। सबको प्रेज द लॉर्ड। और मैं बहुत ही इमोशनल हूँ इस टाइम पे क्योंकि मैं उस मंजिल को याद कर रहा हूँ, मैं उस समय को याद कर रहा हूँ जब मेरा प्यारा यीशु इस जगह पर बैठकर पहाड़ी उपदेश दे रहे होंगे और लोग उनकी सुन रहे होंगे। तो चर्च, जो पहाड़ी उपदेश मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को सिखाए, वो मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ और आप इस ब्लॉग में इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। भीड़ को देखकर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जब वह बैठा तो चेले उसके पास आए और प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला और यह उपदेश देने लगा, धन्य हैं वह जो दिल के गरीब हैं क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांत किए जाएंगे, धन्य हैं वह जो दिल के हलीम हैं क्यों जो वह धरती के वारस होंगे, धन्य हैं वह जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वह रजाए जाएंगे, धन्य हैं वह जो दया करते हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी, धन्य हैं वे जो दयावान हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी, धन्य हैं वह जिनके मन शुद्ध हैं वह परमेश्वर को देखेंगे, धन्य हैं वह जो मेल करवाते हैं क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, धन्य हैं वह जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हें बोलियां मारे और तुम्हें सताएं और हर एक बुरी बात और झूठ मूठ तुम पर लगाएं, उस वक्त आनंदित होना और खुशी मनाना क्योंकि तुम्हारा फल स्वर्ग में बहुत है, क्योंकि पिछले दिनों में उन्होंने इसी तरह से मेरे नबियों को भी सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो और यदि नमक अपना स्वाद छोड़ दे तो फिर वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह पहाड़ी उपदेश दिए और मेरा ईमान है कि आप जब इस स्थान से इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं तो आज जरूरत है चर्च कि हम इन वचनों को अपने जीवन में मनन करें। हम पृथ्वी के नमक हैं और जब नमक अपना स्वाद छोड़ देता है तो वो किसी भी चीज से नमकीन नहीं किया जाता। तो प्रभु यीशु मसीह ने अगर आपको स्वाद के साथ मैच किया है, एक टेस्ट के साथ मैच किया है, तो आपको अपने टेस्ट में बने रहना है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह,
ये आप ही की कृपा है कि हम उस स्थान पर हैं जहां से आपने अपने लोगों को पहाड़ी उपदेश दिया। प्यारे परमेश्वर, जो वचन हमने सुना, हमने पढ़ा और आज रूबरू उस स्थान को देखा, प्यारे परमेश्वर हम आपके लाखों करोड़ों बार शुक्रगुजार हैं। मुझे सुनने और देखने वाले सभी परमेश्वर के लोग इस स्थान से ब्लेस हो जाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं इस जगह पर बैठकर आपके प्रिय लोगों को जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, इन सबको आशीष देता हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके ऊपर उढ़ेलता हूँ। यीशु के दिए हुए वचनों को ये मनन करें और अपने जीवन में सच्ची शांति को पाएं। इन जीसस नेम आई प्रे, आमीन।